सो हे गाइस, इट्स मी डीप लाइफ बैक अगेन विद अनदर वीडियो और हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे मैं देख रहा हूँ स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आप में से कितने लोगों को स्कूल पसंद है, कितने लोगों को नहीं है ज़रूर कमेंट करके बताना। स्कूल स्टार्ट होने की वजह से आपको अभी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आजकल तो प्रोजेक्ट्स बहुत सारे मिलने लग गए हैं। तो गाइज मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊँगा जिससे आप ढेर सारे स्टिकर्स बना पाओगे एंड दिस टेक्निक विल ऑल्सो हेल्प यू क्रिएट ग्रेट प्रोजेक्ट्स। अगर आप प्रोजेक्ट में पिक्चर्स नहीं लगाओगे आपका प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। जितने हाई क्वालिटी ब्यूटीफुल पिक्चर्स होंगे उतने आपके मार्क्स ज़्यादा होने की भी संभावना बढ़ जाती है। मैं थोड़े आर्ट चैनल्स देख रहा था एंड उन्होंने टेक्निक बताई स्टिकर बनाने की कि पेपर लो, उस पर खुद से ड्राइंग करो, फिर सेलो टेप चिपकाओ, नीचे भी एक टेप चिपकाओ। तो दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एंड बहुत डिफिकल्ट था मुझे ऐसे लगा, क्योंकि इतनी छोटी ड्राइंग बनाना बहुत लोगों को नहीं जमता है। वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू मेक स्टिकर्स। सो गाइज, इस मेथड के लिए सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और गूगल से सबसे बढ़िया बढ़िया इमेजेस आपको डाउनलोड करनी है जो आपको प्रोजेक्ट वर्क में चाहिए या फिर आपको जिसके स्टिकर्स बनाने हो। जैसे गाइज मुझे स्नीकर्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं स्नीकर्स के पिक्चर्स डाउनलोड करूंगा एंड मैंने ऑल्सो थोड़े पोकेमोन के पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं, मैंने थोड़े बैटमैन के पिक्चर्स डाउनलोड किए। अभी एक नई मूवी आई है बैटमैन 2022, मुझे बहुत पसंद आई तो उसके पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं। तो इन सारी चीज़ों के मिला के हम लोग स्टिकर्स बनाएंगे एंड ये सारी जो हम लोग ने इमेजेस डाउनलोड किए हैं ये आपको एक जगह पे अरेंज करने पड़ेंगे अच्छे से एक पेज में। और ये सारी अरेंजमेंट करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो, पर मैं उससे भी इजी एक वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है कैनवा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारे इमेजेस यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिए हैं एंड स्लोली स्लोली मैं उन्हें एडजस्ट करते जाऊँगा। उन पिक्चर्स की ओरिएंटेशन मुझे ऐसी एडजस्ट करनी पड़ेगी बेसिकली कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टिकर्स एक पेज पर बैठ पाए और ये A4 साइज़ का पेज है ताकि इसके प्रिंट आउट भी इजीली निकले। अभी फाइनली गाइस मैं दोनों पेजेस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं इन्हें सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के लिए मैं सेव करके इन्हें एक्सपोर्ट करने वाला हूँ एंड आफ्टर एक्सपोर्टिंग इनकी इमेजेस तैयार हो जाएंगी। फिर गाइज मैं बाहर गया था इन्हें प्रिंट करने। यस, आप ये प्रिंट घर पे भी कर सकते हो, पर यहाँ पर आता है ट्विस्ट स्टोरी में, आपको ये दोनों इमेजेस स्टिकर पेपर पे प्रिंट करनी है। यस, अभी आप जो भी स्टेशनरी में जाओ स्टिकर पेपर अवेलेबल होता है, काफ़ी सस्ते दाम में अवेलेबल होता है। हैप्पी होली। सो गाइस जो सारी चीज़ें हम लोग ने ड्रीम की थी, जो हमें पसंद है, वो सारी चीज़ें स्टिकर फॉर्म में हम लोग के पास आ गई है। आफ्टर प्रिंटिंग आउट द स्टिकर्स आर लुकिंग समथिंग लाइक दिस एंड यू कैन सी जो स्टिकर की फिनिश है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रीमियम है। मैं आपको ज़रा पास से दिखा देता हूँ। तो सारे जो सारी चीज़ें मुझे पसंद है जैसे कि ये जॉर्डन ऑफ वाइट, देन देर इज़ द पीस साइन, बैटमैन है, यहाँ पर एयरफोर्स वन है, यहाँ पर हमारी कैट की मीम है, देन यहाँ पर नारुतो है, एक छोटा सा चारिज़ार्ड है, सुपरमैन का सिंबल है, स्पंजबॉब है, गोकू है, कैट्स है, थोड़े BTS है। BTS वैसे मुझे पसंद नहीं पर बहुत लोगों को पसंद होगा तुम लोग में से, इसीलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये जो पेज था वो भी मैंने प्रिंट कर लिया है, तो ये भी पेज मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरे पेज की भी फिनिश वैसी ही है, ये एक थोड़ा प्रीमियम स्टिकर पेपर है। यस, मैंने स्टिकर पेपर बोला मतलब आपको कोई ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्हें यहाँ से पील करके चिपका सकते हो, पर उसके पहले हमें इन्हें काटना पड़ेगा। मुझे एक शीट पड़ी 20 रुपीज़ में, आप 20 रुपीज़ में इतने सारे स्टिकर्स प्रिंट कर सकते हो। उंगली आप देख सकते हो इतना पार्ट 1 इंच का है, सो कोई कोई स्टिकर्स 2.5 इंच से बड़े हैं and that is why these stickers will look fabulous on your notebooks, on whatever you want to stick them on basically. So let's start cutting these. So well guys, हमारे stickers काट के हो गए हैं एंड हम लोग के पास इतने सारे स्टिकर्स हो गए हैं अभी। गाइज आई एम एब्सोल्युटली लविंग द क्वालिटी ऑफ दी स्टिकर्स, दे लुक सो प्रिटी। हाँ डीप लाइफ, मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ चारिज़ार्ड। और मैं स्पंजबॉब की अपॉर्चुनिटी। मुझे कैसे भूल सकते हो डीप लाइफ, व्हाई सो सीरियस। आपको इन सारे स्टिकर्स में से सबसे बेस्ट कौन सा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। जब मेरे डैड छोटे थे तभी वो इस डिब्बे में लंच ले जाते थे, अभी मैंने उसे पेंट किया है एंड आई स्टोर सम ऑफ माय रिंग्स इन देयर एंड आल्सो सम प्रेशियस कॉइन्स। अगर आपको कॉइन कलेक्शन का शौक है तो वो सारे इसमें है। आई ऑल्सो हैव सम
क्रेजी रिंग्स। ये काफ़ी एक विंटेज डब्बा है और मुझे लगता है इस पे ये विंटेज लेम्बोर्गिनी बहुत अच्छी लगेगी, तो हम लोग इसे चिपका देते हैं लाइक दिस। कोई ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कूल लुक दे दी है। मैं सोच रहा हूँ ये चारिज़ार्ड लगा देते हैं मम्मी के फोन पे, क्योंकि वो भी मेरे साथ बचपन में पोकेमोन देखती थी। ऐसे लग रहा है ये चारिज़ार्ड पूरे डिफरेंट कलर्स में, फ्लेम्स में, वोल्केनो में फ्लोट हो रहा है, उड़ रहा है। सो वेल गाइस, आई स्टिल हैव सो मेनी स्टिकर्स लेफ्ट। अभी पता नहीं मैं इन्हें कहाँ लगाऊंगा, पर अगर आपने ये DIY ट्राई किया तो ज़रूर इन स्टिकर्स को अपने बुक्स पे लगाना, फ्रेंड्स के मुंह पे लगाना, जिधर लगाना है लगाओ, मज़े करो। गाइज, मैंने ऐसे स्टिकर्स Amazon पे देखे थे तो काफ़ी महंगे थे, एंड उसमें ऐसे भी स्टिकर्स थे जो इतने ज़्यादा मुझे रेलेवेंट नहीं थे, जो मैं उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा था बेसिकली। तो मैंने इसलिए ऐसे इमेजेस का कस्टम कोलाज बनाया जो मुझे पसंद है, एंड जिन स्टिकर्स को ओन करना या बुक पे चिपकाना मैं पसंद करूंगा। गाइस, ये DIY थोड़ा हटके था, इसमें हम लोग ने टेक्नोलॉजी यूज़ की, एंड ये DIY आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी हेल्प करेगा। और इस ट्रिक से अगर आपका फ़ायदा होता है तो जस्ट एक थैंक यू डीप लाइफ कमेंट कर देना, मैं आपकी कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। वेल गाइज, आपको हमारा नया सेटअप कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सो वेल गाइज, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लव दिस वन। मैं हूँ डीप लाइफ, मैं ऐसे सारे DIYs, आर्ट एंड व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस बिंज वॉच कीजिए, हमारा शॉर्ट्स चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। अ वेरी हैप्पी होली टू यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।